तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आपको बता होगा, सैमसंग ए 52 डेज़ में एक नया अपडेट आया था सितंबर का, जिसके अंदर सितंबर की सिक्योरिटी पैच अपडेट दी गई थी। और इस अपडेट का साइज़ था 1360 कुछ एम बी का ये साइज़ था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और उसका रिव्यू वीडियो भी दिया था। आज आपको बताने वाला हूँ, उस अपडेट के बाद मुझे एक चेंजेस लगा। जो फ़ोन डायलर ऐप होती है ना, उसके अंदर मुझे एक चीज़ का वहाँ पर चेंजेस लगा, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिस बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आज सबसे पहले आपको मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आप अपडेट के बाद आपको क्या नया चेंजेस एक मुझे मिला उसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं करा तो आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, और वहाँ पर आपको अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको अपडेट कर लिया था 28 सितंबर को ही। अब यहाँ पर अपडेट किया जो नया चेंजेस मिला है वो ये है। यहाँ पर अपनी फोन डायलर में जाएंगे, डायलिंग के बाद यहाँ सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, कॉलर इन्फॉर्मेशन, जो कि पहले नहीं आता था, ये अभी रिसेंटली यहाँ पर एड ऑन किया गया है। अब इसके अंदर ये तीन नए फीचर दिए गए हैं, वो क्या है आप देखेंगे। कुछ फीचर्स तो पहले से ही थे पर दूसरी जगह थे, अब उसको यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दे दिया गया है स्मॉल प्रोफाइल पिक्स और लार्ज प्रोफाइल पिक। लार्ज प्रोफाइल पिक करेंगे तो बीच में आ रही है प्रोफाइल फोटो, स्मॉल में कर देंगे तो यह साइड में आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है। उसके बाद यह है शो कॉन्टैक्ट नंबर वाला ऑप्शन। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो सिर्फ अगर किसी आपके पास किसी कॉन्टैक्ट का नंबर सेफ है तो सिर्फ उसका नाम आएगा, और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस वाले ऑप्शन पे तो उसका नंबर भी नीचे शो करेगा। सेकेंड चीज ये दी गई है आपको। और तीसरा यहाँ पर शो एक्स्ट्रा डिटेल्स करके आपको जो दिख रहा है, आप देखते होंगे आप कभी किसी को कॉल लगाते हैं किसी कॉन्टैक्ट को, और नीचे दिखाता है कि लास्ट कॉल दिस या लास्ट मैसेज दिस। तो ये अगर आप नहीं चाहते कि इन्फॉर्मेशन मिले तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन भी ऑफ हो जाएगी। जैसा कि वहाँ पर नीचे डमी पे भी दिखा रहा है आपको, आप देख सकते हैं ये आपको नीचे भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये ऑप्शन पहले कहाँ था, अगर आप यहाँ पहले देखना चाहेंगे तो यहाँ जाना है नीचे अदर सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये हाइड कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है। यह पहले भी यहाँ पर था, बट यहाँ पर दो नए चेंजेस दे दिए गए हैं, दो नए फीचर एड ऑन कर दिए गए हैं। एक तो प्रोफाइल पिक वाला और ये शो एक्स्ट्रा डिटेल्स वाला यहाँ पर एड ऑन किया गया है आफ्टर अपडेट्स के बाद। यही दो ही नया चेंजेस था आफ्टर अपडेट के बाद। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर लगता है आपको कि ये मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।